टोरेन पावर कंपनी के खिलाफ में निकाले जा रहे मोर्चे नहीं होंगे रद्द। विशेष तौर पर आपको बता दें कि पत्रकार परिषद का आयोजन कर टोरेन पावर कंपनी के विरोध में महाविकास आघाड़ी संघर्ष समिति के लोगों ने यह जाहिर किया है कि टोरेन पावर कंपनी के विरोध में 1 सितंबर को मोर्चा निकाला जाएगा। लेकिन आपको भी बता दें कि भिवंडी पुलिस ने इन सभी को एक नोटिस जारी किया है कि टोरेन पावर कंपनी के विरोध में जो मोर्चा निकाला जाएगा उस मोर्चे को किसी प्रकार का परमिशन नहीं दिया गया है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि संघर्ष समिति के लोगों ने यह जानकारी दी है पत्रकार परिषद के माध्यम से कि 1 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से स्वर्गीय आनंद दिघे चौक तक की जो है टोरेन पावर कंपनी के विरोध में मोर्चा निकाला जाएगा और पुलिस के जो परमिशन की बात की गई है उस पर अपनी राय हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रूपेश माकरे उनके साथ में एनसीपी के जिला अध्यक्ष शोएब गुंडू और अन्य कई पदाधिकारी मौजूद होकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दी। हमको भले से जी दादा कल के मोर्चे को लेकर क्या लोगों को आह्वान करेंगे? जो एक मैसेज चल रहा है कि कल जो रैली नहीं निकलेगी कोई मोर्चा नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि हमने परमिशन के लिए पुलिस में डाला था और हमें आज पता चला कि पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है। लेकिन हमने जो डिक्लेयर किया है 1 सितंबर यानी कल का दिन जुम्मा का दिन है 2:30 बजे टोरेन पावर के विरुद्ध में जो मोर्चा का डिक्लेयर किया है वो मोर्चा रहेगा। जो मीडिया के थ्रू जो माहौल किया खराब किया जा रहा है कि कल का मोर्चा नहीं होगा, परमिशन नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी भिवंडी शहर की आवाम से गुजारिश करता हूं कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें आज पुलिस परमिशन क्यों नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी की साजिश है और ये साजिश हमको कामयाब होने नहीं देना है। हमको भले से जेल में भी जाना पड़ेगा, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ये मार्ग का संघर्ष समिति ने आपस में बैठ कर फैसला किया है और किसी को कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मोर्चा इंशाल्लाह निकलेगा और मोर्चा कामयाब होगा क्योंकि आज आवाम से सरकार डरती है। तो आज कहीं ना कहीं टोरेंट पावर और पुलिस को एक डर है कि इतनी तादाद में आवाम यहाँ पे आने वाली है तो ये लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मोर्चा इंशाल्लाह अच्छे बड़े पैमाने पर निकलेगा और हम जो हमारी लड़ाई है हक की लड़ाई है जो सरकार के विरोध में है, जो आज पावर बिल का रेट बढ़ा है वो रेट कम करने के ताल्लुक से और जो टोरेंट पावर की मनमानी का दादागिरी है और टोरेंट हटाओ की जो हमारी मुहिम है उसके ताल्लुक से हम ये मोर्चा कल इंशाल्लाह निकाल कर रहेंगे। इसीलिए मेरी पब्लिक से वापस से पूरी भिवंडी की जनता से शहर की जनता से ग्रामीण की जनता से अपील है कि आप लोग सब लोग अब और ज़्यादा तादाद में आप लोग तो आने वाले थे और ज़्यादा तादाद में ये मोर्चा को कामयाब करें ताकि इनकी जो ये जो घबराहट है और ज़्यादा से ज़्यादा घबराहट बढ़े और एक खुद ही यहाँ से टोरेंट पावर यहाँ से निकल के चले जाए। क्या रूपरेखा है इसका मोर्चे की कल के जो रूपरेखा क्या 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 और मोर्चे में क्या एडिशनल कुछ है क्या है? रूपरेखा बोले तो जो महाराज अधिकारी की तरह सब पार्टी के लोग यहाँ पे हम लोग सब शिवाजी महाराज के पुत्र के पास जमा होने वाले हैं। यहाँ जमा होकर जो भी हमारे नारेबाजी है, जो भी हमारा विरोध रहा, जो स्लोगन रहेगा, वो सब करते हुए यहाँ से वंजा पड़ी नाके से लेके आनंद दिघे चौक तक हम लोग जाएंगे और आनंद दिघे चौक के बाद वहाँ पे जो भी सब हमारे महाविकास आघाड़ी के लीडर लोग हैं, सभी पार्टी के लीडर लोग हैं, अपने अपने तरीके से सरकार और टोरेंट के बारे में बताएंगे। जो यहाँ पे जो जुल्म हो रहा है वो हम अपना विरोध दर्ज करेंगे। दादा ये बताएंगे कल जो मोर्चा है जिस तरह से मोर्चे में पूरे शहर में और ग्रामीण में जिस तरह से चर्चा है उस चर्चा को लेकर महाविकास संघर्ष समिति आज फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और कल का जो मोर्चा किस तरह से रहने वाला है? आप सभी के माध्यम से जो होने वाला मोर्चा है कल 1 तारीख का दोपहर 2:30 बजे का जो मोर्चा है, ये मोर्चा जिस तादाद में होने वाला था उससे ज़्यादा तादाद में होने वाला है। ये मोर्चा में लोग शामिल ना हो या ये मोर्चा में थोड़ा सा अड़चने लाने का प्रयास कहीं ना कहीं टोरेन कंपनी से या उनके बाकी के जो मैनेज लोग हैं उनके माध्यम से हो रहा है, क्योंकि कल से माहौल ख़राब करने के लिए कुछ बूमर फैलाया गया है कि ये मोर्चा कैसे होगा, पुलिस की परमिशन नहीं है। देखिए हमारा संघर्ष पुलिस से नहीं है, हमारा संघर्ष जो है टोरेन पावर से है और टोरेन पावर की जातियाँ जो है दिन ब दिन बढ़ती गई है, आप सबको पता है। इससे शहर के लोग हो चाहे ग्रामीण के लोग हो सभी त्रस्त है और इसी वजह से भरे बारिश में लोगों ने मोर्चा आंदोलनों में सहभाग लिया हुआ है
और इसलिए यह मोर्चा हम महाविकास संघर्ष समिति के माध्यम से सभी लोगों को साथ में लेकर जो ईमानदारी से टोरन हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो सभी लोगों को साथ में लेकर ये मोर्चा निकाल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने परमिशन ना देते हुए हमारे जो मोर्चा की पहली जीत यहाँ पर दर्ज हुई ऐसे हमको लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है, टोरन पावर को डर है, पुलिस प्रशासन को डर है कि ये मोर्चे से टोरन को यहाँ से हटने के लिए जो माहौल होना चाहिए ये माहौल और ज़्यादा अच्छी तरह बनेगा, ये डर उनको है और इसीलिए टोरन ने जो है सब चीज़ें मैनेज की है और वो हिसाब से पुलिस ने ये जो परमिशन नकार दी है। वैसे तो परमिशन देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इससे पहले जो मोर्चे निकले थे उसको परमिशन मिला कि नहीं उसकी भी मांगनी की है, लेकिन उन्होंने वो वहाँ न बताते हुए कुछ कारण ऐसा दिया है कि पुलिस का अहवाल है ये मोर्चा नहीं होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने 149 की नोटिस जो है सभी कार्यकर्ताओं को सभी लोगों को दी है और उस नोटिस में ये मेंशन किया हुआ है कि 5 से ज़्यादा लोग ना लाए, लेकिन हम यहाँ पर यह मोर्चा पूरी तरह से सफल करके दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इसमें शामिल होंगे। इसके लिए हम आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि कोई भी ये चीज़ में ना आते हुए कि मोर्चे का क्या होगा, मोर्चा होगा होगा होगा, इसके लिए उस मोर्चे में पूरी ताकत से आपको आना है, सभी पब्लिक को आना है और टोरन को अपनी जो ताकत है वो दिखानी है, क्योंकि भिवंडी जीतेगी तो टोरन हारेगी, अगर भिवंडी हारी तो टोरन जीतेगी और अपने को टोरन को हराना है और इसके लिए आप सबका सहयोग जो है इसी तरह मिलता रहे। कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे उनको भी हमारी अपील है कि आप इस तरह से ना करते हुए जो जनता में आवेश है, जनता में जो नाराज़गी है वो लोग सभी को दिखाने की कोशिश करें और टोरन को यहाँ से हटाने के लिए हमारे साथ प्रयास करें। प्रमुख मांगे उसमें क्या क्या होने वाली है? इस मोर्चा में हमारी मांगे जो है, जो हमारा अधिकार है, जिस तरह से संविधान ने हमें अधिकार दिया है मोर्चा निकालना, अनशन करना, वहाँ पर जो जो हम आयुध हम लोग को दिए हैं वो आयुध के माध्यम से हम हमारी जो मांगे हैं वो भी ऐसी मांगे हैं कि जो सरकार को यहाँ पर देनी चाहिए। जब सरकार में मंत्री नहीं थे तभी हमारे ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि और राज्यों में जिस तरह से 200 यूनिट फ्री दे रहे हमारी मांग यहाँ पर 300 यूनिट फ्री भी सबको देनी चाहिए, जिसमें शेतकरी लोग हो, कामगार हो, चाहे स्लम लोगों के स्लम के एरिया के लोग हो, इनको सबको फ़ायदा पहुँचना चाहिए और इसके लिए हमारी पहली मांग तो है कि 300 यूनिट तक सबको फ्री बिजली दी जाए और जो टोरन ने जातियाँ करके जिस तरह से विजिलेंस के केस बनाए वो सभी के विजिलेंस के केस भी यहाँ पर माफ़ होने चाहिए और इस 16-17 सालों में जो टोरन ने गलत तरीके से वसूली करके इस भिवंडी को लूटने की कोशिश की है, अभी आगे चलकर इस भिवंडी वालों के पास, भिवंडी के ग्रामीण लोगों के पास कुछ बचा नहीं है कि और लूटमार सहन करे, इसके लिए अभी आगे से ये लूटमार नहीं होनी चाहिए और ये लूट कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए जो है टोरन को यहाँ से भगाकर, टोरन को यहाँ से निकाल कर हम लोगों को फिर से MSCB जो है पहले जैसी थी वैसे हमारे बुरे दिन जो थे MSCB के टाइम वो बुरे दिन हमको वापस लौटाए, ये हमारी डिमांड है। सर, अगर इस मोर्चे से किसी प्रकार का अगर समाधान नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि देखा जाता है कि टोरन के खिलाफ जो है लाखों की संख्या में शहर की जनता सड़कों पर उतरी थी, लेकिन टोरन जस की तसी अपनी जगह पर है और वो मोर्चा जो है बार बार किया जा रहा है। ऐसा है, देखो हम लोग जब जब अन्याय होता है हम सभी जागरूक होते हैं और सभी लोग भिवंडी के लोग अभी जाग चुके हैं। पिछली बार भी जब 2012 में भी मोर्चा निकला था उस वक्त भी टोरन से बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कुछ सुधार कर दिया, इसके लिए लोग रुक गए। उसके बाद 2017 में भी उनको एक्सटेंशन देते वक्त भी हम लोगों ने उनको विरोध किया, सदन में किया, सदन के बाहर किया, यहाँ पर किया, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट नहीं मानी। लेकिन अभी जो है ये 16-17 सालों में गवर्नमेंट को जो अपेक्षित था कि यहाँ पर वसूली ठीक तरह से होनी चाहिए तो अभी 90% वसूली हो रही है, इसका मतलब जो है 100% वसूली हो रही है। 100% वसूली के बाद अभी कुछ बचा नहीं है, अभी जैसे है ये गवर्नमेंट अपनी कंपनी जो है MSCB वो ला कर फिर से उसी तरह का काम करे और अभी जो ऐसी वसूली कर रहे हैं इसी तरह वसूली करके अच्छी सर्विस दो, ये हमारी मांग है। उसके बाद हमारा जो मोर्चा है, ये मोर्चा के बाद अगर इसमें सरकार ने दखल नहीं ली तो अगली स्टेप हमारी ऐसी रहेगी कि अगला हमारा मोर्चा रहेगा कलेक्टर ऑफिस पर, उसके बाद हमारा मोर्चा रहेगा मंत्रालय पर, ताकि गवर्नमेंट को पूरी तरह से इस मोर्चा की और भिवंडी के जागरूक लोगों की दखल लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस वक्त हम मोर्चा किए थे या आंदोलन किए थे
सदन में किए थे, सदन के बाहर किए थे। उस वक्त हमारे साथ तत्कालीन जो हमारे अभी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो हमको साथ दे रहे थे, तो अभी तो उनके ही हाथ में है। वो चाहेंगे तो कल भी तोरण को निकलवा सकते हैं। उनको हमारी आवाज़ पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं कि भिवंडी के लोगों को परेशानी है, जब तक उनको मालूमात नहीं देंगे तब तक तो ये करेंगे नहीं कोई भी चीज़। हम जब तक डिमांड नहीं करेंगे सामने से तो कोई देने वाला है नहीं। इसके लिए हमारी ये डिमांड है, निश्चित रूप से सरकार को यहाँ जगाने का काम हम करेंगे और तोरण को हटाने का काम करेंगे। जो जो स्टेप, ये तो हमारी पहली स्टेप है, हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम किया हुआ है। इससे पहले हमने विजिलेंस की केस ना हो इसके लिए DCP साहब को निवेदन दिया था। जब अनशन था उस समय हमने प्रांत ऑफिस में भी निवेदन दिया था। सरकार से हमारी जो लड़ाई है, सरकार से लड़ाई में हमने पहला जो है वहाँ पर निवेदन ऊर्जा मंत्री को, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को भी दिया था, बाद में रिमाइंडर भी दिया है, लेकिन वो अभी तक वो लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके लिए हमने ये मोर्चा का आयोजन किया है। ये मोर्चा से भी एक्शन में नहीं आएंगे तो आगे हमारी जो स्टेप है वो निश्चित रूप से, सर एक लास्ट सवाल है, महाविकास आघाड़ी एक साथ रहकर करेंगी। सर एक लास्ट सवाल, जिस तरह से देखा जाए टोरेंट पावर एक समस्या है, लेकिन शहर में दो अलग अलग मोर्चे क्यों? टोरेंट पावर से आज सभी लोग परेशान हैं, जो सत्ता में है वो लोग भी परेशान है, उन्होंने भी समर्थन दिया था। जो विरोधी पक्ष में हम लोग हैं, हमको भी टोरण नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई कामगार हो चाहे खेडूत हो चाहे कोई कंपनी वाला हो, सब तो टोरण के खिलाफ है। तो ये टोरण ये सबसे बड़ी समस्या है, ये भिवंडी को लगी हुई दीमक है और ये इसको हटाना है, ताकि यहाँ का जो बिजनेस है खास करके पावरलूम इंडस्ट्री है, जो यहाँ से अभी ये लोगों ने एक प्लानिंग करके हटाने का काम किया है, और यहाँ की पावर रूम इंडस्ट्री जो है ज़्यादा करके सूरत अहमदाबाद चली गई है। यहाँ की पावर रूम इंडस्ट्री बचनी चाहिए, उसके साथ साथ वेयर हाउसिंग भी बचना चाहिए, कोई कारखाने वो बचने चाहिए, और इसके लिए जो है ये टोरण जैसे ये कंपनी है इसको पहले हमको हटाना है। समस्या तो और भी बहुत सारी है जो कि रास्तों की है, ट्रैफिक की है, यहाँ पर कॉरपोरेशन में हम टैक्स भर रहे हैं लेकिन वहाँ पर जो सुविधा नहीं मिल रही है, सभी समस्या है। इनके बारे में भी हमारी महाविकास संघर्ष समिति जो है एक साथ रहकर सब लड़ाई लड़कर भिवंडी के हक का जो जो चीज़ है वो दिलाने का काम करेगी। कल के मोर्चे के लिए भिवंडी शहरवासियों को क्या मैसेज देंगे? कल का मोर्चा होगा, किसी भी हालत में होगा, चाहे पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी हम उस कार्रवाई के लिए सामने जाने की पूरी ताकत से कोशिश करेंगे, और जो कानून से कार्रवाई की उनको करनी है वो करें, हम उस कार्रवाई को सामने जाएंगे। लेकिन मोर्चा होगा, किसी भी हालत में होगा, पुलिस ने सहयोग किया तो ये मोर्चा जो है शिवाजी महाराज चौक से निकलेगा और दिगे साहब के चौक में वहाँ उसका समारोह होगा। अगर पुलिस ने सहयोग नहीं किया तो ये मोर्चा टोरण ऑफिस में जाएगा। इस मोर्चे को जो है आप लोगों ने देखा है, जो राज पाटिल ने अनशन किया था टोरण के खिलाफ, उन्होंने समर्थन दिया हुआ है। विजय कामले जी है जिन्होंने टोरण के खिलाफ धरना आंदोलन किया था, उनका समर्थन है। किरण चेन्नई जी का आपने कल किसी ने इंटरव्यू लिया है शायद, उनका समर्थन है कि नहीं उनको आप बता सकते हो। और बाकी भी लोगों को, हमने सभी को जो उस कृति समिति में हमारे लोग भी जाते थे, कुंदन पाटिल जैसे, दयानंद चोरगे, ये सब लोग तो पहले भी मोर्चा में थे, हमारा समर्थन उनको था। तो जो प्रामाणिक रूप से जो ईमानदारी से यहाँ पर टोरण को हटाने की कोशिश करेगा वो हमारे साथ जुड़ेगा, और जो ईमानदारी से नहीं रहेगा वो इस मोर्चे में नहीं आएगा। और हम लोग जो है ईमानदारी से कोशिश करने वाले को साथ में लेंगे, जो साथ आएगा उनको साथ में लेकर, जो नया आएगा उनको छोड़कर, लेकिन मोर्चा जरूर होगा। इस तरह से देखा जाए कितने लोक संख्या आ सकती है कल के मोर्चे पर, कितने लोग सहभागी हो सकते हैं? अभी ये लोक संख्या जो है ये मालूमात होने के बाद ये सब कार्रवाई आपके सामने आने लग गई है, क्योंकि डर छाने लग गया, सबको मालूम है कि ये मोर्चा जो है बड़ी तादाद में और बड़े ताकत से होने वाला है। इसके लिए ये मोर्चे को कम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने, खास करके टोरण कंपनी और टोरण कंपनी के कुछ दलाल लोग रहेंगे, उन्होंने कोशिश की है कि ये मोर्चा ना हो, या ये मोर्चा में कुछ ना कुछ आपत्ति निर्माण करें, ये मोर्चा को कम करने की कोशिश करें, ये सब कर रहे हैं। फिर भी मोर्चा बड़ी तादाद में होगा, उसकी संख्या आपको कल के मोर्चा के बाद ही समझ में आ जाएगी। लेकिन सर, सबसे बड़ा समर्थन तो हमको हमारे पास जनता की है, सबसे बड़ा समर्थन। दूसरी चीज़ ये है कि ये हर भिवंडी वासियों का मसला है, हमारे पत्रकार भाइयों का भी मसला है। आज आप लोगों की बिल ज़्यादा आ रही है, आज जास्ती हो रही है, वेजिलेंस का केस हो रहा है,
इसमें मेरी महाविकास अघाड़ी की तरफ से हम लोगों की आपसे विनंती है कि पूरा जितना भी कल का मोर्चा है उसको अच्छे से अच्छा कवर करें, आज भी कवर करें, लोगों को तक पहुँचाइए कि मोर्चा कैंसिल होने वाला नहीं है, मोर्चा होगा होगा होगा। दूसरी चीज़, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको अर्जेंट में लेना पड़ा, तो इसके अंदर जो कांग्रेस के हमारे माजी खासदार सुरेश तौरे साहब और माजी आमदार हमारे रशीद भाई, वो लोग आज बॉम्बे गए हुए हैं, जो इंडिया की मीटिंग है अपने ग्रैंड हयात होटल में, तो वहाँ पे वो लोग गए हुए हैं, राहुल जी और शायद सोना जी लोगों की मीटिंग लिया अध्यक्ष लोगों की, इसलिए वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग नहीं है, लेकिन हम लोग सब साथ में कर लिया, उंगली उठाने वाले कुछ भी उठा सकते हैं, हम सब साथ में, हम सबसे राय मशवरा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और सलाम भाई कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये मेरी बात आप लोगों से वापस से विनती है कि कल के मोर्चा आप लोग कवर करिए और आज ये पूरा अच्छा कवर करके लोगों को बताइए कि मोर्चा बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है, लोगों के दिल में एक डर सी पैदा हो गई, चोरों के दिल में एक डर सी पैदा हो गई है, तो डर आज वो लोग गलत तरीके से अफवाह फैला के कोशिश कर रहे हैं, यही मेरी आप लोग से विनती है।